आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जमुई में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जमुई पहुंचे बीएसपी जवानों से भरी बस मलयपुर पावर ग्रिड के पास पलट गई, जिसमें 23 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। बताया जाता है कि 18 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमुई के पकरी गांव पहुंचेंगे। इसकी तैयारी को लेकर रविवार की सुबह मुजफ्फरपुर जिले से एक बस में 35 बीएमपी 6 बटालियन के जवानों को जमुई पुलिस लाइन ले जाया जा रहा था। ऐसे ही बस जमुई मलयपुर मुख्य मार्ग के पावर ग्रिड के पास पहुंची और तभी बस चला रहे चालक को नींद आ गई और बस सड़क पर पलट गई। इस दुर्घटना में करीबन 55 वर्ष अरुण कुमार, 32 वर्ष प्रेम सागर रॉय, 47 वर्ष दिनेश कुमार, 47 वर्ष राजेश कुमार, 48 वर्ष सहित बटालियन जवान घायल हो गए 42 से ज्यादा। सभी का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। बताया जाता है कि सभी जवान 18 जुलाई को मुख्यमंत्री के आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जमुई पहुंचे थे। बजे सुबह की घटना है ये। हम लोग कितना बजे? 6:20 में। 6:20 में जी। क्या मतलब, क्या लगता है कि ड्राइवर को नींद आने से हुई है या ऐसा? हाँ, कुछ वही कहा जा सकता। हाँ, है रात भर उन्होंने चलाया गाड़ी। कहाँ पर की घटना है सर? काली मंदिर। हाँ, जगह जो है वो कौन सा था? काली मंदिर मलयपुर। मलयपुर बोला जा रहा है जी। आप लोगों को तो पुलिस ही लाइन जाना था ना? हाँ, हम लोग पुलिस लाइन जाना। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।